हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्कस करेंगे। जो जनरल स्किल्स के अंदर हमने पढ़ा था, कुछ स्किल्स आते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पढ़ा था और लास्ट में हमने पढ़े थे स्पेसिफिक स्किल्स। तो स्पेसिफिक स्किल्स का पहला पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन, जैसे कि सबको पता है, बात करना, आपस में शेयर करना आइडियाज और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, ये सब चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सीड करना है, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ हो आपकी, चाहे आप प्रोफेशनल हो किसी जगह के, कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे बिजनेस भी कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, आपको जो कम्युनिकेशन स्किल है ना आपका, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में सक्सीड करने के लिए, क्योंकि लोग कम्युनिकेशन से ही बहुत बारी अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बेशक उनके अंदर मेंटल एबिलिटीज ज्यादा ना भी हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लियर है, बहुत बोल्डली बोलते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोगों की जो बातें हैं वो सारे लोग मान लेते हैं, सुन लेते हैं। तो अपनी लाइफ में सक्सीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, बट सबकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। और ये सिर्फ वर्बल नहीं होता, नॉन वर्बल भी होता है। जैसे आप जेस्टर्स बनाते हो, इशारों से बात करते हो, आप फेसेस बनाते हो, लिख के बात करते हो, वो सब भी उसी में आता है कम्युनिकेशन में। अब करेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ कम्युनिकेशन की, जैसे कि कम्युनिकेशन डायनामिक होता है, चेंज होती रहती है। अब किसी का मूड अगर खराब है तो वो अलग तरीके से कम्युनिकेट करेगा, बहुत खुश है तो अलग कम्युनिकेट करेगा, इमोशंस के हिसाब से अलग कम्युनिकेशन होती है, एटीट्यूड के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन करते हुए दिखते हैं लोग, एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके हिसाब से भी कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है। हमारा स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग और जो हम कहना चाह रहे हैं वो सब चीजें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हम डायनामिक बोलते हैं इसको। डायनामिक का मतलब जो चीज चेंज होती रहे। कॉन्टिन्यूस इसलिए है क्योंकि हम लोग पूरा दिन कम्युनिकेट करते हैं, हम पूरा दिन बोलते ना हो बेशक हमारे माइंड में, लेकिन थॉट्स तो पूरा दिन चलते रहते हैं, तो वो हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इवन जब हम सो रहे होते हैं तो भी हम जब ड्रीम्स देखते हैं, हमारा माइंड कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करता रहता है हमारे थॉट्स वगैरह, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। इरिवर्सिबल, कई बार इरिवर्सिबल इसलिए हो जाती है क्योंकि आप एक बार जो चीज बोल देते हो आप वापिस नहीं ले पाते, बेशक आप उसको बाद में सॉरी बोल के या बाई मिस्टेक बोल के उस बात को खत्म करने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बोली हुई चीज होती है जो वापिस नहीं हो पाती और उससे जो इफेक्ट होना होता है वो हो चुका होता है। जैसे इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं कई बार, एकदम से लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बाद में बेशक उन्हें फील होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कुछ गलत बोल देते हैं, गलती से बोल देते हैं, तो ये इरिवर्सिबल नहीं है। रिटन चीज को आप बेशक डिलीट कर सकते हो, लेकिन एक वर्बल चीज को आप रिवर्स करना जो किसी ने सुन लिया हो, वो बहुत मुश्किल है। इंटरेक्टिव है बहुत ज्यादा क्योंकि यहाँ पे आप बातचीत कर रहे हो, चाहे अपने आप से भी कर रहे हो, तो ये एक्शन रिएक्शन साइकिल चलता ही रहता है। आप कुछ बोलते हो फिर उसका आप उसका रिएक्शन भी उसके बारे में सोचते हो, आपने किसी को बोला फिर आपको रिएक्शन मिला, तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए इंटरेक्टिव है। एक्सीडेंटल या इंटेंशनल हो सकता है। एक्सीडेंटल कम्युनिकेशन मीन्स आपने गलती से कुछ बोल दिया किसी को, या गलती से आपने कुछ इशारा कर दिया जो आपने नहीं करना था, तो वो एक्सीडेंटल हो गया। इंटेंशनल मतलब आपने जानबूझ के कुछ बोला है, जानबूझ के आपने कुछ करा है। इमोशनल और रेटोरिकल में क्या फर्क होता है? इमोशनल होता है जो बिना किसी गोल के या बिना किसी पर्पस के बोला, कई बार इमोशनल होके कुछ बोल दिया, मतलब जैसे होता है ना आप किसी को कुछ बोल देते हो गुस्से में, फिर बोलते हो वो मैंने गुस्से में बोल दिया, इमोशनली मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था तुमको कुछ कहने का। रेटोरिकल होता है जिसका कोई पर्पस होता है, जहां पे आपने कोई ना कोई पॉइंट मारना होता है किसी को, जो आप जानबूझ के बोलते हो किसी को कुछ सुनाने के लिए, उसको बोलते हैं रेटोरिकल। तो इमोशनल हो सकता है, रेटोरिकल हो सकता है। फिर होता है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीन लेवल है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, पब्लिक। इंट्रा मतलब जब हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ, जब हम अपने माइंड में थॉट्स वगैरह खुद से अपने आप से बात कर रहे होते हैं, सेल्फ, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल होता है ना दूसरी कंट्री, इंटरपर्सनल मतलब किसी सामने वाले से, किसी से फेस टू फेस कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, कैसे भी करके आप बात कर रहे हो दूसरे पर्सन से। और पब्लिक होता है जब आप ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, जहाँ पे आपके मतलब कि अनलिमिटेड लोग हैं जो आप
सबके साथ एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप फीडबैक सबका नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप खुद से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो पब्लिकली। इंटरपर्सनल में फीडबैक लेना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे आप किसी एक पर्सन से ही बात कर रहे होते हो, सामने जो आपके होता है। अब आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के? इसके होते हैं चार पार्ट्स। पहला है एनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर डीकोडिंग। एनकोडिंग मतलब हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं, हम बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजें हम बोलते हैं, किसी के सामने जब बोलना हो हम हर चीज नहीं बोल देते, हर चीज बोलने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जो हमारा उस टाइम पे टॉपिक चल रहा है, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बोलना होता है। तो हम पहले तो उसमें से आइडिया लेते हैं कि हमने बोलना क्या है, पहले सोचते हैं, आइडियाज लेते हैं, उसका मीनिंग बनाते हैं कि कैसे बोलना है, उसको मैसेज की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब वो मैसेज जो है वो वर्बल, या तो आप बोल के बोलोगे, या आप इशारे करके करोगे, या फिर आप जेस्टर्स बना के बोलोगे, या रिटर्न में बोलोगे, आप ये सोचते हो। फिर हम चैनल सोचते हैं कि चैनल कैसे, चैनल में सेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि जो बोल रहा है उसके सेंसेस है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे वर्बल मेरे यूज हो रहे हैं, सेंसेस यूज हो रहे हैं, और आपके इयर्स यूज हो रहे हैं, आईज यूज हो रही है। प्लस आप ये भी देखते हो कि चैनल में आप कौन सी चीज यूज करोगे, जैसे मोबाइल का यूज करने वाले हो, या फेस टू फेस करोगे तो आप डायरेक्टली बात करने वाले हो, तो वो भी चैनल एक होता है। पर सेंसेस तो होते ही है, बेसिकली सेंसेस जो होते हैं कि आपके सेंसेस जो यूज हो रहे हैं और बोलने वाले के जो सेंसेस यूज हो रहे हैं। उसके बाद वो चैनल, जब चैनल के थ्रू मैसेज जाता है रिसीवर के पास, यहाँ पे सेंडर होता है या रिसीवर होता है, तो रिसीवर जो जिसके पास मैसेज आपने दिया है वो डिकोड करता है उसको, आपने जो भी उसको मैसेज भेजा है किसी भी फॉर्म में, उसको वो ट्रांसलेट करता है समझने के लिए कि क्या मतलब है उसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। फिर उसके बाद आपके बुक में एक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसका जिसको बोला हुआ है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? तो अब यहाँ पे एक साइड तो होता है सेंडर और दूसरी साइड होता है रिसीवर। उसके बाद जब आप फीडबैक देते हो तो ये सेंडर बन जाता है, ये रिसीवर बन जाता है, एक साइकिल की तरह होता है। यहाँ पे इन्होंने वन में दिखाया हुआ है, पर जनरली एक साइकिल होता है कि सेंडर से पहले रिसीवर के पास जाता है, फिर रिसीवर जब जवाब देता है तो रिसीवर से पहले वापिस सेंडर, तो ये तब सेंडर बन जाता है और ये रिसीवर हो जाता है। इसीलिए इन्होंने एक ही चीज साइड दिखाई हुई है कि एक सेंडर है, एक दूसरा रिसीवर है। ठीक है, अब जब सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज जाता है तो उसमें क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं, आपने कुछ बोला, कुछ वर्ड्स यूज किए, कुछ नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, नॉन वर्बल हिंट्स होते हैं, जैसे आप एक्सप्रेशन बना रहे हो बोलते बोलते, ये एक्सप्रेशन आपके वर्ड के साथ मैच करने चाहिए। सपोज आप कोई बहुत अच्छी न्यूज दे रहे हो तो आपके फेस में हैप्पीनेस दिखनी चाहिए। अगर आप हैप्पी न्यूज दे रहे हो और आपका फेस एकदम स्ट्रेट है या एकदम आपका फेस सैड है, तो आपकी बात सेंडर को, रिसीवर को समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब आप वर्ड्स का यूज करते हो, साथ में आपको नॉन वर्बल क्यूज का भी यूज करना है कि आपके जो एक्सप्रेशन है उससे मैच कर रहे हो, क्योंकि कई बार आपकी बात इतनी जल्दी नहीं समझ में आती जितने आपके एक्सप्रेशन से चीजें समझ आ जाती है। ठीक है, फिर आता है चैनल। फिर आप चैनल देखते हो कि इस चैनल से आपने भेजना है, सेंसेस होती हैं, और आगे जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो, मीडिया का यूज कर रहे हो, अगर पब्लिक कम्युनिकेशन है मीडिया कर रहे हो, इंटरपर्सनल है तो आप फोन कर रहे हो, और अगर इंट्रापर्सनल है तो जस्ट आप थॉट्स का यूज करते हो। एस्पेक्ट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज होते हैं। पैरा लैंग्वेज मतलब आप उसके साथ साथ अपनी वॉइस की टोन, उसकी पिच, आपकी वॉइस ऊंची है कि आपकी वॉइस सैड है तो नीची है, आप धीरे बोल रहे हो, फास्ट बोल रहे हो, उसकी टोन क्या है, तो आप पैरा लैंग्वेज का भी यूज करते हो। सपोज आपने, आप किसी को चीयर कर रहे हो, आप कोई मैच देख रहे होता हो, आप उस टाइम चीयर कर रहे हो, तो आपकी उस टाइम वॉइस कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है, आप और जोर जोर से चिल्लाते हो, उसका नाम लेते हो। वही चीयरिंग अगर आपको कोई देखे, आप किसी को देखो कोई चीयर कर रहा है और बहुत आराम से उसका नाम बोल रहा है, तो क्या वो चीयरिंग आप बोलोगे चीयरिंग हो रही है? तो ऐसे ही पैरा लैंग्वेज होता है कि जो चीज आप बोल रहे हो उसी हिसाब से आप अपने वॉइस की टोन, पिच, वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए बोल रहे हो। और पैरा लैंग्वेज और जेस्चर्स और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीजें इसमें मिक्स होती हैं। ठीक है, ये सब तो होता है आपके मैसेज के अंदर जो होता है। फिर होता है बाहर की चीजें जो उसको इफेक्ट करती है, जैसे आर्टिफैक्ट्स।
आर्टिफैक्ट मतलब आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या यूज कर रहे हो। सपोज आप किसी को बोल रहे हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपने साथ में एक बैग उठाया हुआ, एक आपने कीज उठाई है अपने कार की और आप ऐसे दिखा के बोल रहे हो मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। आपने उसमें आर्टिफैक्ट्स यूज किया, आपने बैग यूज किया, आपने कीज यूज करी और आप जल्दी से बोलते हुए चले गए कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, बोलते हुए चले गए, ठीक है। आपके वर्ड्स बेशक बहुत फास्ट थे, आपने जल्दी जल्दी में बोला जाते हुए, उसके उसको वर्ड्स चाहे ना भी समझ आए वहां थे, बट आपके आर्टिफैक्ट्स देख के उसको समझ आ गया कि आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। फिर होता है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने कितनी इन्फॉर्मेशन उसको दी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ढेर सारी बात एक साथ किसी को बोल दी तो उसमें से आधी बातें नहीं समझ आती है, भूल जाता है, सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज बोलते हो तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर आता है बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो बीच में बहुत शोर हो रहा है तो बैरियर हो गया आपकी वॉइस या आपके जेस्चर या बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है जिससे मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। और एक बैरियर हो सकता है कि जो सुनने वाला है उसको इंटरेस्ट नहीं है आप क्या बोल रहे हो उसमें, वो भी एक बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन का। आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी फिजिकल कंडीशन, हेल्थ कैसी है, बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बाहर से रिलेटेड है जो आपकी कम्युनिकेशन मैसेज को इफेक्ट करती है और ये सारी चीजें वो है जो आपके मैसेज के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे खत्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर